राहुल गांधी केवल सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री से, भाजपा से, पर अपनी ही पार्टी के लोगों के द्वारा खड़े किए जाने वाले प्रश्नों के जवाब नहीं देते। राहुल ना तो कांग्रेस के अब अध्यक्ष हैं और ना ही संसद में कांग्रेस दल के नेता, वे इसके बावजूद भी सवाल पूछते रहते हैं और प्रधानमंत्री से उत्तर की मांग भी करते रहते हैं। कई बार तो वे पार्टी में ही अपने स्वयं के द्वारा खड़े किए जाने वाले सवालों के जवाब भी नहीं देते और उन्हें अधर में लटकता हुआ छोड़ देते हैं। मसलन लोकसभा चुनाव में पार्टी के सफाई के लिए उन्होंने नाम लेकर जिन प्रमुख नेताओं के पुत्र मोह को दोष दिया था, उनमें एक राजस्थान के और दूसरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। क्या हुआ उसके बाद? अशोक गहलोत भी बने रहे और कमलनाथ भी। जो पहले चले गए वे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और अब जो लगभग जा ही चुके हैं वे सचिन पायलट हैं। इसे अतिरंजित प्रचार माना जा सकता है कि सचिन की समस्या केवल गहलोत को ही लेकर है, उनकी समस्या शायद राहुल गांधी को लेकर ज्यादा बड़ी है। राहुल का कंफर्ट लेवल या तो अपनी टीम के उन युवा साथियों के साथ है जिनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है, या फिर उन सीनियर नेताओं से है जो कहीं और नहीं जा सकते। क्या ऐसे भी किसी ड्रामे की कल्पना की जा सकती थी जिसमें सचिन की 6 महीने से चल रही कथित साजिश से नाराज होकर गहलोत घोषणा करते कि वे अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ रहे हैं? इतने मजबूर होकर के आज कोई हमें कोई खुशी नहीं है, मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी, हाईकमांड को भी हटाओ, उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुरे मार जो कहावत है उस रूप में पेश किया अपना, रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेट में देते रहते हैं। आप अगर मुख्यमंत्री जब तक तो कोई व्यक्ति है तब तक उसके मंत्रिमंडल के साथियों का ये कर्तव्य होता है आम जनता की भावनाओं को समझे, सरकार एकजुट रहे, और कैबिनेट में मेरे सहयोगी होते वो सब, कोई बॉस कोई नहीं होता है। इस रूप में मैंने ट्वीट किया सबको। नंबर 3, जो विधायक आए जीत के किसी ग्रुप का हो, कितने नजदीक हो, मैंने सबके काम किए, कोई भेदभाव नहीं किया, वो खुद जाने दिल जानता उनका। कॉलेज खोलना है, SDO ऑफिस खोलना है, सड़क बनानी, जो मांगा उन्होंने मैंने दिया बजट के अंदर। उसके बाद में भी उनको दे गए इस प्रकार से। मैं समझता हूँ कि आज का जो माहौल है, आज इस प्रकार से फैसले हुए हैं, खुशी किसी को नहीं है, ना कहूँगा हाईकमांड को खुशी है, पूरे प्रयास कर लिए। उसके बाद में जब देखा गया इन्होंने तय कर लिया है कि बीजेपी के साथ हॉबनॉबिंग हो चुकी है, सौदे हो चुके हैं और ये नई पार्टी बनाएंगे, पहले कहते बीजेपी में जाएंगे। हकीकत यह है कि जिन विधायकों का इस समय गहलोत को समर्थन प्राप्त है उनमें अधिकांश कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और जो छोड़कर जा रहे हैं वे सचिन के विधायक हैं। यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी थी। जो छोड़कर भाजपा में गए उनकी गिनती आज भी सिंधिया खेमे के लोगों के रूप में होती है, खालिस भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह नहीं। सवाल यह भी है कि कांग्रेस पार्टी को अगर ऐसे ही चलना है तो फिर राहुल गांधी किसकी ताकत के बल पर नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती देना चाह रहे हैं? वे अगर भाजपा पर देश में प्रजातंत्र को खत्म करने का आरोप लगाते हैं तो उन्हें इस बात का दोष भी अपने सर पर ढोना होगा कि अब जिन गिने चुने राज्यों में कांग्रेस की जो सरकारें बची हैं वे उन्हें भी हाथों से फिसलने दे रहे हैं। नए लोग आ नहीं रहे और जो जा रहे हैं उनके लिए शोक की कोई बैठकें नहीं आयोजित हो रही हैं। असंतुष्ट नेताओं में सचिन और सिंधिया के साथ साथ अब तक जो नाम सामने आए हैं उसमें मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय झा की भी गिनती की जा सकती है। गोवा तब कैसे हाथ से निकल गया उसकी चर्चा ना करें तो भी देखते ही देखते मध्य प्रदेश चला गया। अब राजस्थान संकट में है, महाराष्ट्र को फिलहाल कोरोना बचाए हुए है, छत्तीसगढ़ सरकार को गिराने का काम जोरों पर है। संकट राजस्थान का हो या मध्य प्रदेश का, या सब बाहर से पारदर्शी दिखने वाली पर अंदर से पूरी तरह साउंड प्रूफ उस दीवार की उपज है जो गांधी परिवार और असंतुष्ट युवा नेताओं के बीच तैनात है।
इस राजनीतिक भूकंप रोधी दीवार को भेद कर पार्टी का कोई बड़ा से बड़ा संकट और ऊंची से ऊंची आवाज भी पार नहीं कर पाती है। पिछले साल लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद कश्मीर में पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए शुभकामना संदेश तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था, पर कामना संदेश कांग्रेस के लिए था कि उसके पास भी एक अमित शाह होना चाहिए। सवाल यह है कि गांधी परिवार या कांग्रेस में किसी अमित शाह को बर्दाश्त करने की गुंजाइश अभी बची है क्या? और राहुल गांधी इसलिए मोदी नहीं बन सकते कि वे अपने अतीत और परिवार को लेकर सार्वजनिक रूप से उस तरह से गर्व करने में संकोच कर जाते हैं जिसे वर्तमान प्रधानमंत्री न सिर्फ सहजता से कर लेते हैं बल्कि उसे अपनी विजय का हथियार भी बना लेते हैं। अर्णब गोस्वामी द्वारा पिछले लोकसभा चुनावों के समय अपने चैनल के लिए लिया गया वह चर्चित इंटरव्यू याद किया जा सकता है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था, मैंने अपना परिवार नहीं चुना, मैंने नहीं कहा कि मुझे इसी परिवार में पैदा होना है। अब दो ही विकल्प हैं, या तो मैं सब कुछ छोड़कर हट जाऊं या फिर कुछ बदलने की कोशिश करूं। राहुल गांधी दोनों विकल्पों में से किसी एक पर भी काम नहीं कर पाए। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि एक ऐसे समय जबकि कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से घोर संकट में है, क्या सचिन पायलट इस तरह से विद्रोह करके उसे और कमजोर नहीं कर रहे हैं? साथ में यह जोड़ते हुए कि इस नए धक्के के बाद अगर पार्टी नेतृत्व जाग जाता है तो उसे एक बड़ी उपलब्धि माना जाना चाहिए। हो सकता है इसके कारण वह भविष्य में हो सकने वाले दूसरे बहुत सारे नुकसान से बच जाए। किसे पता सचिन या विद्रोह वास्तव में कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए ही कर रहे हो। रिपोर्ट वीडियो डेस्क newstrack.com।